दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक केस आया है जिसके अंदर ये मांग की गई है कि जितने भी दिल्ली में नगर निगम के जो स्कूल्स हैं वो दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उसमें शामिल कर दिए जाएं। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस देकर ये पूछा है कि ऐसा क्यों ना कर दिया जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि जो रिसोर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एकेडमिक रिसोर्सेज हैं उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाएगा, इस सेंस में कि अभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो ओवरक्राउडेड हैं, स्पेस की कमी है। दूसरी तरफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो है वो बहुत स्पेस है और इतना वहाँ पे बच्चों का नंबर कम होता जा रहा है कि उन्होंने पिछले 20 साल के अंदर कम से कम 200 स्कूल जो है वो बंद कर दिया है। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में बच्चों की पढ़ाई के मामले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो दिल्ली सरकार को ब्लेम करती है और दिल्ली सरकार कॉरपोरेशन को ब्लेम करती है। सफर करते हैं बच्चे और पेरेंट्स, किसी की भी कोई जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते आप। इसलिए अगर दोनों स्कूल जो है वो एक ही अथॉरिटी चलाती है तो वहां आप अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि उसमें यूनिफॉर्मिटी जो है आएगी। अभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो दिल्ली सरकार के जो स्कूल है, जो पहली क्लास से 12वीं तक चलते हैं सर्वोदय स्कूल, उसमें दाखिला हो, लेकिन सब बच्चों का तो दाखिला नहीं होता तो मजबूरी में बच्चों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में भेजना पड़ता है। अगर सारे स्कूल जो है एक जैसे हो जाएंगे तो वो उसको पेरेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी कि वो किसी भी घर के नजदीक जो स्कूल है उसमें दाखिला करा देगा। एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो इंटर डिस्प्यूट्स जो है वो बहुत सारे होते हैं। कई बार जो है जैसे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है वो कहती है कि जो मेरे इलाके में बच्चा रहता है सिर्फ मैं अपने स्कूलों में उसको दाखिला दूंगा, जो मेरी ज्यूरिडिक्शन से बाहर रहता है उसको नहीं दूंगा। अरे भाई दिल्ली तो एक है ना, दिल्ली के क्यों टुकड़े कर रहे हो आप है? दिल्ली का बच्चा कहीं भी रह रहा है वो उसके अंदर जो है जो भी उसके स्कूल नजदीक है उसमें उसको दाखिला मिलना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी जो चीजें हैं वो उसमें सुधार आ सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में सुधार आ सकता है, एडमिशन प्रोसीजर में सुधार आ सकता है और रिक्रूटमेंट रूल जो आज की तारीख में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अलग रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, दिल्ली सरकार में अपने रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, तो एक ही रिक्रूटमेंट रूल, कॉमन रिक्रूटमेंट रूल से जो है वो टीचर्स के और दूसरे लोगों के भर्ती हो सकती है।